तो हमें तो कुछ मिलता ही नहीं है, हम तो कुछ नहीं, हम इतना करते हैं, हमें क्या मिलता है। तो सब कुछ कैश में मिले वो ज़रूरी नहीं है। जब कुछ कैश में नहीं मिलता है तो उससे कहीं ऊपर मिलता है जिसके आगे कैश भी पानी भरता है। वास्तविक लाभ, शास्त्र कहते हैं सबसे बड़ा लाभ है आध्यात्मिक लाभ। इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए, इतने बड़े बड़े धनवान और करोड़पति हो गए, उन लोगों को भी शांति के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी शांति नसीब नहीं होती। उन लोगों को कितनी मेहनत के बाद आध्यात्मिक संतों के, महापुरुषों के वचन सुनने को मिलते हैं, कितनी जहमत उठाने के बाद भी उन लोगों का हृदय तपता रहता है, शांत नहीं हो पाता। और आप लोग भागा भागी करो, भोजन का ठिकाना ना हो, हम कहते रहे जाओ भाई खाना खाओ, जाओ भाई खाना खाओ, जाओ भाई खाना खाओ, फिर भी आपको भोजन की पड़ी नहीं है। तो ऐसे लोगों को मुझे लगता है कि परमात्मा को कृपा के स्वरूप में आध्यात्मिकता और भक्ति ही देनी चाहिए, उसी के आप कारण। तो अगर भक्ति की दो क्षण के लिए भी आप नहीं जानते, भक्ति की दो क्षण के लिए भी हृदय हमारा पिघलता है भक्ति में, आँखों से आंसू निकल आते हो, ईश्वर के लिए या गुरु के लिए प्रेम और आह्लाद उत्पन्न होता है, ये सबसे सुंदर हृदय के पास ही ये धन होता है जिसके पास ईश्वर की कृपा होती है। कोई बच्चों के लिए रोता है, कोई परिवार के लिए रोता है, कोई धन कम है तो रोता है, कोई धन ज़्यादा है और ज़्यादा उसको सेटल नहीं कर सकता है तो रोता है, कोई इनकम टैक्स हो गया तो रोता है, कोई सेल टैक्स हो गया तो रोता है। और आप लोग दर्शन होते हैं तो खुश होते हैं और दर्शन नहीं होते हैं तो रोते हैं, ये भगवान की कृपा है ना। तो जब हम दर्शन होते हो, जब भगवान की याद आती हो, जब भगवान के दर्शन करके आंखों से दो आंसू निकल जाते हो, तो ये भगवान की असीम कृपा समझनी चाहिए कि उसने हमें पसंद कर लिया है इसीलिए, उसने याद किया है इसीलिए, वरना ताकत है आज के मनुष्य की, ताकत है जहाँ काम क्रोध लोभ और मोह पांचों ताक लगाए बैठे हो, नजरें गाड़ के बैठे हो, एक कहता है तू मेरा शिकार है, दूसरा कहता है तू मेरा शिकार है, शत्रु तो पूछो ही मत, आपके जो शत्रु हैं वो तो और ही बर्बाद करने के लिए तुले हैं, बाहर की और भीतर की स्थितियों को कमज़ोर करने के लिए। ऐसे में यदि हमारा हृदय भगवान का नाम लेके या दर्शन करके अपने हृदय को प्लवित और पावन करता है, तो ऐसे कलिकाल में भगवान की कृपा ही इसको कहते हैं कि हृदय पिघलता है ना, भक्ति में हृदय पिघलता है, स्मरण होता है, याद आती है, ये भी ईश्वर की कृपा है। ईश्वर की कृपा जरूरी नहीं कुछ एक ही चीज के लिए भगवान की कृपा मानी जाती है। कुंती जी तो भगवान कृष्ण से मांगती ही ये है कि आप मुझे दुख ही दुख भेजा करो, क्यों? क्योंकि सुख में मैं तुझे भूल जाती हूं पर दुख में सदा तू मेरे साथ रहता है, इसलिए दुख भेजा करो। तो हम लोग तो ऐसा नहीं मांगते ना कि दुख भेजा करो, फिर भी वो बैलेंस कर ही लेता है, थोड़ा सुख देता है फिर वापस थोड़ा सा कुछ ना कुछ, ये भी कम नहीं है ना, वो भी कम नहीं है, हाँ हम कम नहीं, वो भी कम नहीं है, वो भी जानबूझ के ना बैलेंस करता ही रहता है कि कहीं आप बहुत ज़्यादा सुख में लिप्त हो जाओ, कहीं बहुत ज़्यादा सुख में मुझे भूल जाओ, तो इससे तो थोड़ा सा ना चरपरा भी आने दो, बहुत मीठा खा खा के डायबिटीज़ हो जाता है। तो फिर कभी कभी कुछ जगत में कुछ ऐसा सा कुछ, सब कुछ ठीक चल रहा है ना, अचानक से कुछ ऐसा होगा, सारी ताकत जान निकल जाती, लगता है कि अरे बाप रे क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, उसने आपको याद किया है। मैं हूँ। तो ईश्वर की कृपा बहुत तरीकों से काम करती है, केवल उस पर दृष्टि होनी चाहिए, उस पर हमारा दर्शन होना चाहिए कि उसकी कृपा कैसे काम करती है।